देखिए यहाँ पे हर जगह आर्मी के ट्रक ही ट्रक दिख जाएंगे। हमारी आर्मी के लिए एक बार जय हिंद हो जाए। एक तरीके से जैसे किताब के पन्ने होते हैं, कुछ इस तरीके से ये गुफा है। ये है भीम पुल। भीम जी ने दोनों शिलाओं को जोड़ के पुल बना दिया था। यहाँ से जाता है वासुधारा ट्रैक जो कि 5 किलोमीटर है। नदी देख रहे हैं, ये है सरस्वती नदी और ये विलुप्त हो जाती है यहीं से नीचे। क्या आपने भी कभी देखा है भारत का पहला गाँव? मैं बात कर रहा हूँ माना विलेज के बारे में। आज हम इस पूरी वीडियो में माना विलेज घूमने वाले हैं, जिसका बॉर्डर चाइना बॉर्डर से लगता है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। जैसे कि वो गुफा जहाँ पर गणेश जी ने बैठकर ना सिर्फ सभी वेद पुराण महाभारत लिखी थी, हम यहाँ पर देख सकते हैं सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो जाती है। वो पुल जो कि भीम जी ने अपनी सेना के साथ बनाया था, जिसको पार कर 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और आखिर में हम देखने वाले हैं वो झरना, जिसका अगर जल आपके ऊपर पड़ता है तो आपकी आत्मा पवित्र मानी जाती है और कुछ लोगों के ऊपर उसका पानी यानी कि जल तक नहीं पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को सभी शेयर करना ना भूले। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं संपूर्ण जानकारी। फिलहाल मैं हूँ बद्रीनाथ में और मैं भी जा रहा हूँ माना विलेज की तरफ, जो कि यहाँ से बढ़ता है लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर। वो है इंडिया का आखिरी गांव। बिल्कुल जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो है भारत का आखिरी गांव, उसके बाद सीधा चाइना का बॉर्डर लग जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं माना गांव कैसा लगता है। बद्रीनाथ में हमारी भारतीय सेना द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया है, हॉस्पिटल कैंप लगाया गया है बेसिकली, जिसमें लोगों की सारी दिक्कतें दूर की जा रही हैं। एंड देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमारी भारतीय सेना कितना अच्छा काम कर रही है। इसलिए हमारी सेना, मैं कहता हूँ देश में सबसे ज़्यादा अनमोल है तो कुछ है वो हमारी सिर्फ भारतीय सेना है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते मेडिसिन वगैरह या फिर कुछ उपचार, वो यहाँ पे फ्री में उपचार ले सकते हैं। तो हमारी आर्मी के लिए एक बार जय हिंद हो जाए। देखिए यहाँ पे हर जगह आर्मी के ट्रक ही ट्रक दिख जाएंगे, क्योंकि भाई साहब अपनी सेना कम थोड़ी ना है, है ना। बिल्कुल चौकसी बना के रखी हुई है हमारी जितने भी बॉर्डर्स हैं, जो कि भाई बाकी देशों को संकट में डालती रहती है। अब हमारी सेना 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जय हिंद जय भारत। जाने के लिए आपको टैक्सी मिल जाती है चौक से, जो कि बद्रीनाथ का चौक है वहाँ से, या बस स्टैंड कह लीजिए यहीं से मिल जाती है। ये टैक्सी लेती है 500 रुपये एक टैक्सी के। अब इसमें एक बंदा जाए या 10 बंदे जाए, शेयरिंग में आप जा सकते हैं 9 से 10 लोग तक बड़े आराम से। तो पर पर्सन काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से माना 3 किलोमीटर ही है। तो ये क्या टैक्सी करेगी आपके लिए कि आपको जाके छोड़ देगी, रिटर्न में आपको यही टैक्सी वापस से लेकर आएगी, तो आपको आने जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलते हैं माना के लिए। बद्रीनाथ से माना विलेज का जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का है। अगर आप माना विलेज अच्छे से घूमना चाहते हैं तो मेरा मानना है बद्रीनाथ से आपको कम से कम 7 बजे तक निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयरिंग टैक्सी के बेसिस पर जाना चाहते हैं माना विलेज, तो ज़रूरी नहीं जब आप पहुँचें तो तब आपको टैक्सी एकदम से मिल जाए, तो हो सकता है आपको 1 से 1.5 घंटे का वेट भी करना पड़े। अगर आप पूरा माना विलेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसमें आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय चाहिए। तो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं माना विलेज की पार्किंग के पास में, ये स्टैंड पे, ये स्टैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको आपकी टैक्सी छोड़ देती है, इससे आगे नहीं जा सकते। तो यहाँ से एंट्री हो जाती है हमारी माना विलेज के लिए और यहाँ से माना विलेज शुरू हो जाता है। पूरा ही विलेज देखिए एकदम बिल्कुल आधारित है अपने ही इतिहास पर, और आज तक भी जो विलेज है, जो गांव है, वो चेंज नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है। और एक समय के बाद जो लोग हैं यहाँ से नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। और सामने जो माउंटेन्स देख रहे हैं, जैसे इसके पीछे बद्रीनाथ धाम है यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे, ये जो माना विलेज है ये सी लेवल से लगभग 10.5 फीट की ऊंचाई पे, काफ़ी ज़्यादा, केदारनाथ से लगभग 2 से 2.5 हज़ार फीट थोड़ा ही नीचे। और यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। बट सच में बहुत ही प्यारा सा विलेज है और बहुत ही रंग बिरंगी पेंटिंग्स के साथ लोगों ने अपने घर को सजाया हुआ है। वॉल्स जो हैं घर की, कहीं शिव जी बने, कहीं विष्णु भगवान, कहीं पार्वती माता, तो ये कहीं ना कहीं अपने पूरे सनातन संस्कृति को दिखाता है, उभारता है। माना विलेज में घूमने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप चाहें तो वासुधारा ट्रैक भी कर सकते हैं या फिर कुछ ये जगह भी घूम सकते हैं, जैसे कि भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा एंड व्यास गुफा। ये सब घूमने के लिए लगभग आपको पूरा एक दिन तो चाहिए ही चाहिए।
पर अगर आप वासुधारा ट्रैक करना चाहते हैं जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो उसमें आपको कम से कम अलग से एक दिन लेकर चलना चाहिए। लगभग कुछ कदम चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा। पौराणिक कथाओं की माने तो माना जाता है इसी पवित्र स्थान पर जहां पर गणेश गुफा स्थित है, मंदिर स्थित है, यहां पर ही बैठकर भगवान गणेश ने अपने दोनों हाथों से सभी वेदों, पुराणों एवं महाभारत का वर्णन किया। ये पवित्र गुफा जो आप देख पा रहे हैं, यहां पर ही गणेश भगवान बैठकर सभी वेद, पुराण और महाभारत का वर्णन कर रहे थे। जहां पर वेद व्यास जी उन्हें ये वर्णन मुख से बोल रहे थे, तो गणेश भगवान अपने दोनों हाथों से एक साथ ही वेदों, पुराणों एवं महाभारत को लिख रहे थे। एक इतनी भव्य गुफा है ये पूरी ही, और यहां पर बैठकर गणेश जी ने वर्णन किया था महाभारत का और पुराणों का। कितना ही अद्भुत रहा होगा वो समय जब गणेश जी यहाँ पर बैठकर पुराणों का वर्णन कर रहे होंगे, महाभारत का वर्णन कर रहे होंगे, और वेद व्यास जी उन्हें सारी जो लिपियाँ हैं, जो वर्णन है, वो कर रहे होंगे। तो कितना ही अद्भुत रहा होगा यहाँ पर नज़ारा। यहाँ पर है वेद व्यास जी की गुफा, चलते हैं गुफा के अंदर। देखिए ये जो गुफा है 5,330 साल पुरानी है, कितनी बड़ी बात है। देखिए एक तरीके से जैसे किताब के पन्ने होते हैं, कुछ इस तरीके से ये गुफा है, देख सकते हैं आप, अलग ही है। जिस तरीके से कुछ किताब के पन्ने होते हैं, इस तरीके से पूरी ही गुफा बनी हुई है। बलभद्री विशाल भगवान है की जय। वेद व्यास महाराज है की जय। तो वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति, नई मूर्ति, विष्णु, सुखदेव मुनि और वल्लभाचार्य, माधवाचार्य के शिष्य। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, वो सब यहीं पे लिखे। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय की जब कमी हुई, तब इन्होंने गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर के लिए रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले, गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। महाभारत के बाद संतुष्टि नहीं हुई, तो अंत में नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब भागवत महापुराण की रचना की, और भागवत महापुराण है की वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि जो 12 साल तक रहे माँ के गर्भ में, और लास्ट वल्लभाचार्य जी जो 500 साल पहले यहाँ पे आए थे चंपारण छत्तीसगढ़ से, और वल्लभाचार्य जी जब यहाँ पे आए साक्षात दर्शन दिए व्यास जी ने, क्योंकि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य शब्दे दैत्य जीविनो बोल वेद व्यास भगवान की जय। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, वहाँ आपको मिलेगी सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो जाती है, और साथ ही आपको मिलेगा भीम पुल जो कि भीम जी ने अपनी शक्ति से बनाया हुआ है। तो वो सब देखते हैं, नीचे चलते हैं। माना विलेज को वैसे तो घूमने में लगभग 4 से 5 घंटे ही लगते हैं, पर अगर आप इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरा मानना है एक दिन आप पूरा लेकर चल सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका हूं उस जगह जहां पर भीम पुल बना हुआ है। माना जाता है जब पांडवों को सरस्वती नदी पार करनी थी, तो भीम जी ने अपनी सेना के साथ में पुल का निर्माण किया था, और साथ ही यहीं पर ही वो स्थान है जहाँ से सरस्वती माता यानी कि सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। नदी देख रहे हैं, यह सरस्वती नदी
और ये जो ठीक सामने आप पुल देख रहे हैं ये है भीम पुल। भीम जी ने दोनों शिलाओं को जोड़ के पुल बना दिया था तब इस नदी को पार कर पाए थे। नदी का बहाव देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और ये विलुप्त हो जाती है यहीं से ही नीचे। और ये जो आगे रास्ता जा रहा है ये वासुधारा के लिए जा रहा है, जहाँ पर माना जाता है कि वासुधारा एक तरीके का झरना है और झरना अगर आपके ऊपर पड़ता है तो इसका मतलब आपकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो पवित्र है। जिसके ऊपर नहीं पड़ता है उसका पानी, उसका जो आत्मा है, उसकी जो आत्मा है वो पवित्र नहीं है, यही माना जाता है। माना भी ले जाओगे तो ये वाला बोर्ड लगा मिलेगा आपको एकदम तुरंत एंट्री करते ही। तो यहाँ पे ये कैफ़े है माउंट व्यू। सच में भाई चाय बहुत ज़बरदस्त थी। एक तो सबसे बड़ी बात थी दूध की चाय है, अमूल दूध की चाय है फुल क्रीम वाले की। अब मैंने ली ये चाउमीन क्योंकि सच में भाई दिल्ली जैसा टेस्ट, एकदम बिल्कुल मज़ेदार टेस्ट है। यहाँ से जाता है वासुधारा ट्रैक जो कि 5 किलोमीटर है भीम पुल से या सरस्वती नदी से कह लीजिए। अगर इस ट्रैक को आप एक ही दिन में करना चाहते हैं, साथ ही माना विलेज भी घूमना चाहते हैं, तो आप माना विलेज सुबह 5 या 6 बजे तक आ सकते हैं। यहाँ से ये ट्रैक 5 किलोमीटर वन वे पड़ेगा, आना जाना आपको 10 किलोमीटर होगा। साथ ही लगभग 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक इस ट्रैक को आपको करने में लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी। अगर आप पहले ट्रैकिंग कर चुके हैं तो काफ़ी आराम से इस ट्रैक को आप कंप्लीट कर पाएंगे, पर अगर आपने कोई भी ट्रैकिंग नहीं करी है, वैसे तो ये ट्रैक बहुत हार्ड नहीं है, पर यहाँ पर आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेकर जानी है, जैसे कि एक छोटा सा बैग आप लेकर जा सकते हैं जिसमें कम से कम 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। अपना खाना आपको साथ लेकर जाना होगा, साथ ही आपको अपने साथ रेनकोट भी लेकर जाना होगा क्योंकि ये पूरा ही रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर कभी भी स्नोफॉल या कभी भी बारिश हो जाती है। वासु की ताल ट्रैक करने के लिए आपको किसी भी परमिशन की या गाइड की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप सोलो भी इस ट्रैक को कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड रहेगा कि आप इस ट्रैक को किसी न किसी के साथ करें, अकेले जाने का प्रयास ना करें क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर का भी खतरा हो सकता है। माना विलेज से ही एक और ट्रैक निकलता है जिसे गोमुख सतोपन ट्रैक के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि वहीं से ही स्वर्ग का रास्ता है। ये ट्रैक पूरा लगभग 42 किलोमीटर लंबा है जो कि आमतौर पर सितंबर अक्टूबर के बीच में चलता है। अब आखिरकार मुझे वासुधारा फॉल दिखने लग गया है। यहाँ से कहीं ना कहीं नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और जैसे जैसे आप वाटरफॉल के पास में पहुँचते हैं नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। रास्ते में आपको छोटा सा मंदिर भी देखने के लिए मिलता है जहाँ पर मैं प्रार्थना कर हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि भगवान का आशीर्वाद कहीं ना कहीं किसी भी यात्रा को मंगलमय करने के लिए बहुत आवश्यक है। लगभग 10 मिनट चलने के बाद में मैं आखिरकार वासुधारा वाटरफॉल पहुंच जाता हूं। फाइनल व्यू देखिए हमारा ये है, ग्लेशियर्स तो अभी भी सामने हैं, यहाँ पर है बर्फ़। मैं गया था आगे तक बट मुझे कुछ खास फ़ायदा लगा नहीं जाने का, एक तो बर्फ़ भी पिघल रही है धूप की वजह से और बारिश की वजह से। बाकी ये वासुधारा ये देख सकते हैं, वासुधारा ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू है, सूरज डायरेक्टली झरने पर पड़ रहा है और एक छोटा सा झरना यहाँ पर भी है। ऐसा फील होता है कि मानो शिव भगवान यहीं कहीं बैठे हों। वासुधारा वाटरफॉल पहुंचने के बाद में एक गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि आप इस ग्लेशियर पर ना चढ़ें जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। अगर आप इस ग्लेशियर पर चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है इस ग्लेशियर के टूटने का क्योंकि पानी निरंतर बह रहा है। हालांकि दूर से खड़े खड़े ही झरने का जल आपके ऊपर आ जाता है और मेरे ऊपर भी आया था, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी मुझे मिलते हैं जो बताते हैं कि उनके ऊपर इस झरने का जल ही नहीं पड़ रहा, तो ऐसे में माना जा सकता है कि उनकी आत्मा पवित्र नहीं है। तो यहीं तक का था मेरा सफर माना विलेज में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप बद्रीनाथ आएंगे तो ज़रूर माना विलेज में भी आएंगे और कोशिश करें अगर आप वासुकी ताल जाने का सोच रहे हैं तो अपने साथ पानी, थोड़ा सा खाना और एक रेनकोट लेकर जाएं जिससे कि बारिश होने पर आप बच सकें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वैसे तो माना विलेज घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप अगर टैक्सी से आते हैं तो प्रति व्यक्ति आपको सिर्फ 100 रुपये देने होंगे आने जाने के किराए के लिए, शेयरिंग टैक्सी की मैं बात कर रहा हूँ।
पर अगर आप पूरी टैक्सी करते हैं तो उसमें आपको 500 रुपए तक आने जाने के लिए देने होंगे। आप चाहें तो माना विलेज बद्रीनाथ से पैदल भी पहुंच सकते हैं, बिल्कुल भी आपको चढ़ाई नहीं मिलेगी, रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें और ये भी बताना ना भूलें कि आप कभी बद्रीनाथ या फिर माना विलेज या वासुधारा ट्रैक तक गए हैं। अगर गए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।